तो बहुत बहुत स्वागत है आपको दोबारा एक बार नए एपिसोड में ऑफ GTA ब्लॉग्स। सो इस फाइनली तो इस बात को जिस तरह है कि माइकल को देखकर हमारे फ्रैंकलिन बाबा को भी चढ़ा है शौक ब्लॉगिंग का और उन्होंने भी शुरू कर दी है ब्लॉगिंग। तो आज क्या होने वाला है वो अपनी पहली वीडियो में देने वाले हैं झटका अपने व्यूअर्स को। सो जो झटका वो देने वाले हैं वो है आपको आगे पता लग जाए। पर देख कपड़े मेरे को लग नहीं रहे मेरे कुछ खास, तो पहले चेंज कर लेते हैं अपने कपड़े फटाक से अपने रूम में जाके। सो ये आ गए मैं अपने वार्डरोब में और ये पहने नहीं नो ये अच्छा लग रहा, ये पहनते हैं। सो आई एम लुकिंग वेरी वेरी सुंदर, निकलते हैं यहाँ से फटाफट। तो हम लोग लेके जाने वाले अपनी ये गाड़ी जो कि है बफेलो, है ना बफेलो या यस। सो हम कहाँ जा रहे हैं मैं वो करता हूँ डिस्क्लोज, पहले करता हूँ रेडियो बंद, मेरे सर में हो रहा है दर्द, तो शिट हो गई स्क्रैच आ गया। सो अभी काम करते हैं मैं आपको करता हूँ डिस्क्लोज कि क्या होने वाला है इस व्लॉग में। सो आपने जहाँ तक आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा, हम लोग जा रहे हैं अपनी नई गाड़ी की डिलीवरी लेने जो कि है लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर। मैंने जो उसकी डिलीवरी ली है वो ली है मैंने यहाँ पर जो कि है लॉस एंडोस कस्टम्स में, वहाँ पे खड़ी है मेरी न्यू ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी। सो मैंने क्या कहा था उनसे, मैंने कहा था कि आप डिलीवरी वहीं पे दे देना। सो वो लोग आ गए हैं, उन्होंने कहा है हमें आपकी, वो लोग आ चुके हैं, उन्होंने कहा है मैं आपकी गाड़ी वहीं पर छोड़ दी है लॉस एंडोस कस्टम्स वाले के पास, उसकी चाबी है तो आप उससे चाबी ले लेना और ले जाना अपनी लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर। और पेमेंट में उन्होंने पहले ही कर दी थी सारी की सारी एडवांस, यू नो हद है रही सी की हद। सो मैं बात करते करते आ गया थोड़ा सा आगे, मुझे जाना था पीछे। गाड़ियों बहुत ज़्यादा ठोक रहा हूँ, पता है क्यों, जान बूझ के नहीं ठोक रहा हूँ तो गलती से रही है। सो ये आगे लिए अपनी लैम्बोर्गिनी और क्या सुंदर लग रही है यार। ये लैम्बोर्गिनी क्यों ली गई, ये लैम्बोर्गिनी का आइडिया आया था मेरे को मेरे एक फ्रेंड से जो कि है मेरा सब्सक्राइबर और जो कि सपोर्ट करता है इस चैनल को बहुत अच्छे तरीके से, तो थैंक यू भाई। सो ये बहुत हो गया टाइम पास, आपको मैं दिखाता हूँ फर्स्ट पर्सन व्यू से। ओ माई गॉड क्या लुक आ रहा है यार इस गाड़ी का। सो ये रही लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, क्या इसके रिम्स है वो यार कितने गजब के हैं। सो ये रहा इसका साइड लुक, ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ, ये रहा इसका रेयर लुक। सब एक काम करते हैं डायरेक्टली बैठते हैं इस गाड़ी में और लेते हैं इसका जबरदस्त व्यू। ओ तेरी इंटीरियर देखो यार इसके, एक बार आवाज सुनी इसकी गजब। ये गेट है वो मैंने करवा रखे कार्बन गेट, और जो उसका मीटर है वो मीटर ऐसा था नहीं, मैंने इसको फुल्ली मॉडिफाई किया है, और जो इसके इंटीरियर्स भी हैं वो मैंने इसको कस्टम है ये मेरे। आवाज़ सुनो यार एक बारी क्या लुक है यार इस गाड़ी के, अब आवाज़ यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से क्लियर आएगी। सो इस बेहतरीन आवाज़ के साथ बेहतरीन गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ये गाड़ी चलाना। फर्स्ट राइड स्टार्ट होती है अभी, beep beep hatto hey you got off lucky homie। सही है, अभी काम करते हैं इसको लेके चलते हैं हाईवे पे, वहां करेंगे इसका खतरनाक वाला टेस्ट। मैं यानी कि फ्रैंकलिन जब होता हूं बहुत ज्यादा खुश तो मैं मारता हूं डोनट्स, या जिसे कहते हैं बर्नआउट्स। सो कुछ लोग उसे कहते हैं डोनट्स, कुछ कहते हैं बर्नआउट्स, तो मैं उसे कहता हूं डोनट। सो अब एक काम करते हैं लगाते हैं जबरदस्त वाले डोनट्स बीच रोड पे। ऑलराइट सर, इस कैसे लग रहे हैं डोनट जरूर बताना कमेंट में, क्या गाड़ी लग रही है यार। पीछे मेरे एक बंदा वेट कर रहा है कि मैं गाड़ी आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, रिवर्स लेके इसको थोड़ी सी डराएंगे। डर जा भाई डर जा। अच्छा वो क्यों डरेगा भाई, उससे करोड़ों महंगी मेरी गाड़ी है।
तेरी ऐसी तैसी, रुक रुक, मैं बताता हूँ। ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा तेरे को, ये ऐसे नहीं जाएगा, ये मरा नहीं मरा मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ले बड़ा बकवास कर रहा है, लंबोगरी ठोक दिया, ये भी लिए पागल कहीं का यार। पुलिस और पड़ गई पीछे, शिट। तो छुड़वाते हैं पुलिस को और चलते हैं लॉस सेंटोस कस्टम्स में, क्योंकि इसको ठीक कराना पड़ेगा, इसको आ गई है चोटें। इस पुलिस वाले ना पकड़े यार, अब ठुकी गई तो चला ही लेते हैं ऐसे करके। तो लॉस सेंटोस कस्टम आ चुका है, बस ये गेट खोल दे। थैंक गॉड, मेरे के लिए बॉस कि तुम मेरी गाड़ी ठीक कर दो। आइटम ठीक कर दिया और कुछ चाहिए नहीं, टॉप क्लास गाड़ी है उनकी। बाय बाय, बूम 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 बूम। अब चलते हैं गाइस, सब चलना चाहिए हमको हाईवे पे। वैसे मेरे को तो ये लगता है कि अगर हाईवे पे भी जाना है, एयरपोर्ट पे भी जाना है, तो वीडियो हो जाएगी लंबी, तो जाते नहीं है, काम करते हैं, घुमा लेते हैं गाड़ी को, ले लेते हैं डायरेक्टली एयरपोर्ट, मजा है। तो मैं जीपीएस सेट कर लेता हूँ एयरपोर्ट। सो एयरपोर्ट का रनवे मेरे को पड़ता है यहाँ पे, लेकिन हम लोग एंट्री लेंगे शराफत से, जो कि है कि ये। ओके सो अप्रोक्स 2-2.5 किलोमीटर दूर है। सो कर लिया मैंने अपना जीपीएस भी ऑन जहाँ पर है रनवे। सो चला जाए शराफत से, सही सही चला के जाएंगे यार, इतनी महंगी गाड़ी ली है। किसी को हेल्प चाहिए? कौन सील कर रहा है तुम्हारा बैग? जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे रुक रुक, ए रुक तेरा। अरे ऐसा कैसा भाग रहे हो सर? तुम चोरी करते हो, बंदा दिन रात मेहनत करता है यार, तुम पैसा उड़ा रहे हो यार उनका। अरे रुको, अरे तनिक सुनिए तो। अरे रुकिए, देखो पड़ा ना तुम्हार दम पर, हम तो कहीं रहे थे रुक जाओ, लेकिन ना देखो बम पर गोली खा के माने ना तुम। सब पैसे ले लिए हैं इनके, अब हम जाएंगे वापसी, इनको वापसी करने हैं, हम जाएंगे वापसी वापसी करने। तो कहाँ खड़ी हो दीदी, तुम्हारा पैसा हमारे पास है। अरे रुको यार, तुम तनिक ऐसा कर रहे हो यार। दीदी वो खड़ी है, दीदी का पैसा लौटा कर आने हैं। साफ सोच रहे हैं कि मैं यानी फ्रैंकलिन एकदम से बिहारी कैसे बोलने लगा। Hello. Here you go. Oh, you are such a sweetheart. I'm not even from here. Thanks so much. Hey. तो आपको मेरी शक्ल देख के लगता होगा मैं हूँ फॉरनर, अफ्रीकन टाइप, लेकिन मैं फॉरनर नहीं हूँ, मैं इंडियन ही हूँ। दरअसल हमार अम्मा था बिहार का। हाँ आपने सही सुना, हमार अम्मा था बिहार का। आप सोच रहे होंगे ये बिहार का लड़का यहाँ आकर कैसा ये लंबोगनी अम्बोगनी चला रहा है। तो ये बिहार का लड़के ने किया बहुत ही तरक्की, बिहार के एजुकेशन सिस्टम से आप लोग तो वाकिफ होंगे। चलिए ये सब तो बेकार की बातें हैं, हम लोग चलते हैं अपना एयरपोर्ट। ओहो ई तो जेस्टर बा, जेस्टर है ना, ए पलट। अरे तनिक पलटी है तो ना पलटी है, तुम तो बड़ा ही भाव खावत हो यार। अरे अरे तनिक जरा साइड देंगे, अरे हरा बत्ती जल गया है, हटिए ना। तो बड़ा ही प्यार से हम वहां से अपना गाड़ी निकाल रहे थे। अरे हाँ क्या बोल रहे थे, फिर से हम बड़े
मक्खन के माफिक गाड़ी निकालत है, बड़े मक्खन के तरीके से गाड़ी चलावत है अपनी। लग रहा है मक्खन को ज्यादा ही हो गया है, फिसल रही है गाड़ी। ओ माय भगवान, सो ई आ गया है मोड़। अब ई मोड़ से हमको लेना है उटन। उटन को उटन बोलते हैं, यूटन बोले हमारा। गेट खोलो, तो हर पिताजी आए हैं। ई आ गया है हमारा एयरपोर्ट। जी हाँ, इसे एयरपोर्ट कहते हैं। एयरपोर्ट दरअसल ये अंग्रेज हमको गलत सिखा के गए हैं। हम एकदम ओरिजिनल शुद्ध बिहारी हैं, आप हमसे सीखिए। इसे एयरपोर्ट कहा, इसे एयरपोर्ट कहा था। वो अंग्रेज लोग बहुत बहुत ज़्यादा गंद लोग थे, तो एक काम करते हैं, गाड़ी को लेकर जाते हैं एकदम आगे और लेते हैं स्पीड टेस्ट इसका। अभी धीरे धीरे लेके जाएंगे, वरना टॉप स्पीड आपको ऑलरेडी पता ही लग जाएगी। स्टार्टिंग में बिल्कुल लेके चलते हैं गाड़ी को। यहाँ से हम अपना हम गाड़ी नहीं बोलेंगे, अंग्रेज लोग बहुत ज़्यादा थे, तो हम कार नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हमार गाड़ी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम पहला से ही बिहार में बिहारी में बात काहे नहीं कर रहे थे। हम बिहारी में बात इसलिए नहीं कर रहे थे दोस्त, कहीं हमें ये लगा कि आप हमको गवार ना समझें, लेकिन टाइम मॉडर्न आ गया है तो सब कोई किसी को गवार नहीं समझता है। देसी देसी ना बोले कर छोरी है, क्या बोल रहा हूँ। व्यू आ रहा है, वो आ रहा है, बहुत ही गजब, आप देख ही सकते हैं। ई देखिए हमारा कलुआ चेहरा, कैसा आंखें फाड़ फाड़ के हम उनको ताड़त हैं। तो गिनती करिए तीन तक मेरे साथ। एक, दो, और ई दबाया हमने एक्सेलरेटर, तीन। तो ये देखिए दोस्तों, स्पीडोमीटर पर अपनी अपनी नजरें बिल्कुल टिकाए रखिए, ऐसा तकिए उनको जैसा क्या बोले हम। रुको 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 रुको, कहाँ भागी जा रही है, कहाँ रुको, कहाँ रुको ना। स्पीड कितनी आई है दोस्तों। और एक बात और, आपको कैसा लगा हमारी ये बिहार एक्सेंट हमारे फ्रैंकलिन भाई पर, और जरूर कमेंट करके बताना कि माइकल देखना चाहत हो ये फ्रैंकलिन देखन चाहत हो। फ्रैंकलिन बड़ा मजा कराएगा भैया, फ्रैंकलिन यानी मैं। तो स्पीड हमारे हिसाब से गई थी 210 के आसपास, जो कि बहुत होती है 210। हमार गांव में चलता था चेतक 100-110, बड़ी मुश्किल से पकड़त है। और ये तो 210 एकदम फुरफुरी करके निकल गई है। तो भाई और बहनों, मज़ा तो बहुत आया आप लोगों के साथ बात करने में। अब एक काम करते हैं, चलते हैं घर, वरना हमार मम्मी लेंगी डंडा और दही चप्पल जूता सूतन हमार कर देंगी लाल। तो चालत है हम अपने अपने घर, आप भी जाइए अपने अपने घर और घर में ही टिके रहिए, अब तक मोदी जी फिर से नहीं कहत रहे कि जाओ मौज करो। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लागत हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो अगर आप हमारे फ्रैंकलिन की तरह मस्त हैं तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर कर देना। और क्या करते हैं, जो भी करते हैं ना यूट्यूब पर, वो जो छोटा छोटा निशान आता है, ये आता है अंगूठे का निशान आता है, ये हमारा लाल रंग का डब्बा आता है, उनको ज़रूर दबाइएगा। देखिए गाड़ी भी लाल है, वो डब्बा भी लाल है। अगर आपको गाड़ी पसंद आएगी तो प्लीज़ वो डब्बा को ज़रूर दबाइएगा। हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू। अरे जाओ यार, तुम तो यहीं पर टिक गए, इतना ज़्यादा पसंद आ गए कि हम कभी देखा नहीं क्या हैंडसम आदमी तुमने, जाओ ना, बाय।